ऐसा लगेगा ये मुझ पे। 425 25 रुपए कौन कम करता है भैया? कम करते नहीं, वो भी 25 में नहीं करता भैया, बहुत रूड है। 500 अच्छा 450 कर लो, चल लेते हैं भैया का भी फिक्स प्राइस है वो। Hi guys, I'm Divyanshi. I'm Deepali and welcome to Find My Look. Here on FML, हम ढूंढते हैं किन्हीं दो सिंपल लोगों को और देते हैं उनको एक सेलिब्रिटी मेकओवर। But catch ये है कि उसके लिए हम एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं। Exactly. Competition के तीन लेवल हैं। Budget, time और achievability. जो कम से कम टाइम और बजट में लुक के सबसे ज्यादा करीब होगा वो होगा विनर। और आज का हमारा लुक तो अचीव है ये। तो लुक तो आप देख ही चुके हैं, अब हमारे पार्टिसिपेंट से भी मिल लीजिए। हाय गाइस, आई एम मनीषा कन्याल। हाय गाइस, आई एम सृष्टि नागर। मुझे बहुत ही कैजुअली ड्रेसअप करना पसंद है। आई लाइक टू ट्राई न्यू ट्रेंड्स, इसीलिए मैं नए नए फैशन ब्लॉगर्स को देखती रहती। तो आई ऑल्सो विश कि काश कोई मुझे भी ऐसे स्टाइल करे। तो मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, बट समटाइम्स जैसे मैं सोचती हूँ वैसे मैं दिख नहीं पाती। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू फाइंड माय लुक। हाय सृष्टि, हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड। क्या तुम बहुत प्रिटी हो। थैंक यू। ओके, तो बाल तो आपके बहुत खूबसूरत है, थोड़े से कटवा देते हैं। तो मैम, हमें इनके साथ ये वाला लुक अचीव करना है, तो आप हमें बताइए हम कहाँ से स्टार्ट करें। मेकअप हम बहुत यूज करेंगे, ज़्यादा अभी चलते ही नहीं है। और पिंक शेड में क्या होगा, आईज जो है बहुत अच्छा ही। तो अब हम आपको सोनम कपूर का एक लुक देंगे, और वो कौन सा लुक है वो आपके लिए कंप्लीट सरप्राइज है। और मनीषा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम तुम्हें दूसरी सोनम कपूर बना देंगे। थैंक यू सो मच। आर यू एक्साइटेड? वेरी मच। सो लेट्स गेट द मेकअप स्टार्टेड। आपको भी सृष्टि की तरह एक क्लियर स्किन चाहिए तो मेक श्योर आप एक अलग हैंडकरचीफ और टॉवल अपने फेस के लिए कैरी करें। इससे जो जर्म्स होते हैं वो आपकी स्किन से दूर रहते हैं और आप स्किन प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। या मुझ पे ना हैवी मेकअप ज्यादा सूट नहीं करता है, तो आई यूजुअली गो फॉर नेचुरल लुकिंग मेकअप। तो आप कोशिश कीजिए कि लिपस्टिक यूज करें इंस्टेड ऑफ लिपस्टिक। स्टाइलिस्ट को हमने लुक ब्रीफ कर दिया है और पार्टिसिपेंट्स का फाइनल लुक भी लॉक कर दिया है। तो जब तक इनका मेकअप होता है तब तक हम इनके लिए शॉपिंग कराते हैं। लेट्स गो। सो शॉपिंग के लिए हम लोग आ गए हैं लाजपत नगर मार्केट में। दिव्यांशी, टाइमर लगा ले, बिकॉज इस बार कॉम्पिटिशन तगड़ा होने वाला है। We'll see. ये लाजपत नगर मार्केट है, ये 11 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। और प्लीज अवॉइड करो मंडे को आने को, क्योंकि ये बंद होता है। ये वाला निकालना। नाइस, कितने का है? 100 का। 100 का ही दोगे? फिक्स प्राइस है आपका? गाइस, ये सरोजनी का मार्केट नहीं है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। दे दो 100। लाजपत नगर मार्केट स्ट्रीट शॉपिंग के लिए फेमस तो है ही, बट आप यहाँ पे ब्रांड आउटलेट्स की भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हर तरीके का सामान मिल जाएगा। यार, गेस्ट की शॉपिंग से पहले मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है, उस बेचारे के सेलर में पता नहीं क्या हो रहा होगा। वैसे ब्रीफिंग तो मैं दे आई थी उसे। So, आज हमें लेना है एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस, एक डेनिम जैकेट, अ पेयर ऑफ क्रिस्टल फ्लैट्स, और एक रिंग, झुमका और डेनिम जैकेट। आई होप हमें टाइम पे मिल जाए। मुझे लग रहा है दुपट्टा तो मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए, बिकॉज इनके पास बहुत सारा कलेक्शन है। तो ये दुपट्टा ठीक है, तो मैं चेक कर लेती हूँ। ओह वाओ, ये दुपट्टा बिल्कुल परफेक्ट है। भैया कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए का, ठीक है ये दे दो। अब हमें दुपट्टा तो मिल गया है, अब मुझे इंडो वेस्टर्न ड्रेस लेनी है, तो हम जल्दी से चलते हैं। यार इतनी सारे ऑप्शंस है, पर जो मुझे चाहिए वो नहीं है इनके पास। भैया कुछ क्रिस क्रॉस में नहीं है आपके पास? ये सब डिस्प्लेस है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे कुछ मिलने वाला है, टाइम भी नहीं है वैसे भी। आ जाओ। बहुत भीड़ थी यार, बट हमें चप्पल मिल गई है तो हम लोग कुर्ती ढूंढते हैं। चलो भैया, कुछ ग्रे कलर में होगा, जितना भी है दिखा दो जल्दी। इसको खोल के दिखाना। ये ऐसे डाला था यार, बट ये इतना लंबा लंबा सा जा रहा है। कितने का है ये?
चलो चेंज है आपके पास? थैंक यू। आपको ऐसा कुछ मिलेगा क्या इंडो वेस्टर्न में? मैडम अलग अलग ये चीज़ है, डेनिम का जैकेट अलग है। हाँ तो ड्रेस की तो बात कर रही हूँ मैं, ये मिलेगा नहीं मिलेगा? भैया बहुत रूड है, वो बड़ा वाला पे वाला झुमका दिखा कैसा लगेगा ये मुझ पे? नाइस। कितने का भैया ये? 250। चल लेते हैं भैया का भी फिक्स प्राइस है। मुझे झुमके मिल गई है, अब जल्दी चलते हैं फटाफट। कुर्ती कहाँ ढूंढे यार? यार यहाँ पे तो काफी ज्वेलरी, हमें सिल्वर ऑक्सीडाइज लेनी है। भैया ये झुमकी कितने की है? 50 रुपीज की है, लुक के साथ तो जा रही है। भैया कम करेंगे? वैसे 50 सही है, दे दीजिए। थैंक यू। मिल जा भैया। आपके पास इसमें छोटा साइज होगा? हाँ छोटा होगा, प्लीज दे दीजिए। और ये कितने का है? 450। भैया थोड़ा प्लीज रीजनेबल लगा लो। 425। 25 रुपए कौन कम करता है भैया? कम करते नहीं, वो भी 25 में नहीं कम करता। अच्छा फाइनल प्राइस बताओ ना। फाइनल बताओ कितना? 400। मतलब मानेंगे नहीं ना, 350 की अभी बात हुई थी। अलाउड दो ना फिर आपको। 350। थैंक यू। फाइनली चलो शूज हो गए। डेनिम जैकेट, चलो 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 जल्दी, बहुत टाइम बाद मिले यार। अच्छा ये वाला दे दो। कितने का है? 325। नहीं इसका मटेरियल बहुत लाइट है। 350। 350 में हमें डेनिम जैकेट मिल गया। यार इस पे ग्रीन बटन है बट, अरे मेरे लुक के साथ नहीं जाएगा ना। मैं ओपन सो ओपन पहने जाते हैं ना, बटन के ज्यादा वो नहीं है। 380 लास्ट प्राइस। चलो दे दो। भैया आपके पास लॉन्ग में वाइट ड्रेस होगा? भैया ऐसा प्रिंट में नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा प्लेन में चाहिए। कितने का है? 500। भैया 500 प्लीज, 500। अच्छा 450 कर लो। ये मुझे सब कुछ मिल गया, बस एक रिंग बची हुई है। यार मुझे बिल्कुल सिमिलर ड्रेस तो मिल नहीं रही है, बट आई थिंक ये वर्क करेगा। कितने का दोगे? 350 कर देना। नहीं 350 नहीं, 250 भी दे दो भैया। ठीक है बिल्कुल कर देना। ले लो आप, दे देना। ठीक है इसको दे दो। बिल्कुल मैचिंग तो नहीं मिला यार, बट सिमिलर मिल गया है तो अब देख लेते हैं लुक कैसा क्रिएट होगा। दिव्यांशी से तो नहीं हारने वाली हूँ मैं। भैया मुझे थोड़े छोटे राउंड में चाहिए रिंग, सिल्वर ऑक्सीडाइज में चाहिए, कुछ ऐसा ऐसा में कुछ चाहिए। भैया थोड़ा सा छोटा होगा इससे? एडजस्टेबल है, साइज छोटा वाला नहीं नहीं नहीं, मतलब थोड़ा राउंड इससे छोटा। कितने रुपए का है? 50 रुपीज। आई होप दीपाली ने रिंग को नोटिस ना किया और उसने ना ये खरीदा। आज पक्का कुछ खाने के लिए रुक गई होगी इसीलिए लेट हो। नहीं मैं कुछ नहीं खा रही थी, मुझे बस ड्रेस नहीं मिली यार। और यहाँ के दुकानदार इतने बेकार है कि बार्गेनिंग ही नहीं कर रहे हैं। ये टाइम वाला राउंड तो मैं ही जीत रही हूँ। नहीं तुम नहीं जीत रही हो। अभी हम सलो पहुँच के देखेंगे कौन जीत रहा है। लेट्स गो। वाओ सृष्टि क्या मस्त लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेसेस लेके आ गई हूँ, अब चलो जल्दी से ट्राई करते हैं। आर यू हैप्पी विद द मेकअप? वेरी हैप्पी। कम ऑन लेट्स गो। वो यू आर लुकिंग सो प्रिटी यार। मैं कपड़े ले आई हूँ, अब हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं। चलो सो गाइस अब पार्टिसिपेंट्स आर फाइनली रेडी। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, व्हाट अबाउट यू दीपाली? एक्साइटमेंट तो मुझे भी बहुत है, लेकिन ये जानने की कि मैंने तुझे आज कितने मार्जिन से हराया है। We'll see. अब करते हैं लुक रिवील। आई जस्ट कांट वेट एनी मोर। देखा मनीषा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें दूसरी सोनम कपूर तो बना ही दूंगी। ऑलमोस्ट 80-85% तुमने अचीव लुक कर लिया है। लेट्स जस्ट होप कि उन लोगों ने ना किया हो ताकि हम जीत जाएं। यस
तुम्हें कैसा लग रहा है शो पर आकर? एक्चुअली सुबह तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, बट उसके बाद जैसे कि लुक धीरे धीरे सब रेडी होता गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अब मुझे भी ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं भी डिफरेंट लुक ट्राई कर सकती हूँ और उनको बहुत ही कॉन्फिडेंटली कैरी भी कर सकती हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच। वाओ सृष्टि, क्या अमेजिंग लग रही हो। हाउ डू यू फाइंड द लुक? आई थिंक इट्स अमेजिंग। विल यू कैरी इट? या फॉर श्योर, आई मीन आई एम फीलिंग गुड। मुझे बस एक चीज का डर लग रहा है, हमने ड्रेस की जगह हमने कुर्ता टाइप का लिया है, बस बाकी सब तो ऑन पॉइंट है। पर आई थिंक इट्स ऑल्सो फाइन। मतलब मैं यूजली ये चीज़ें नहीं पहनती हूँ, पर क्योंकि ये मेरे लिए नया है तो मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, यू आर रॉकिंग द लुक। आई जस्ट होप यू वेयर। फाइनली मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। तो तुझे कैसा लग रहा है हार के? या बस वो वाइट ड्रेस नहीं मिली है, इस चक्कर में मैं हारी हूँ। और ये हमें घूम फिर के हमें ये लाजपत नगर मार्केट आना था। मार्केट से फर्क नहीं पड़ता बेटा, बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और चॉइस भी, नॉट मोर। सो गाइज, हम ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि आप में से कौन कौन ये लुक ट्राई करने वाला है अपने ऊपर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।